जिस एनजीओ के लिए हमने कढ़ाई बुनाई का सामान सप्लाई किया था, उन्होंने हमारा सारा सामान रिजेक्ट कर दिया। लेकिन क्यों? कहते उन्हें पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया? लेकिन दीदी, हमने तो सारे डिजाइन सुनी के बताए हुए बनाए थे और कई कई बार हमने उन्हें चेक भी किया था, किसी में कोई कमी नहीं थी। यही बात मैंने एनजीओ के इंचार्ज पटवर्धन से की, लेकिन वो हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। हमारा सारा सामान वो वापस कर रहे हैं। लेकिन अगर वो सामान वापस कर देंगे तो हम उस सामान का करेंगे क्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस सामान को बनाने में हम सबने दिन रात मेहनत की, इतना पैसा लगाया, और जब कीमत मिलने का वक्त आया तो वो सामान को रिजेक्ट कर रहे। इस काम को लेकर हमने कितनी उम्मीदें, कितने सपने देखे थे दीदी, अब क्या होगा? हमारी उम्मीद को एक झटके में तोड़ दिया। अब मैं इन औरतों को क्या बताऊंगी? दीदी, अब इस स्थिति का हम सबको मिलकर सामना करना होगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान उठा पाना हमारे वश की बात नहीं है कुंती। हम अपने पैरों पर खड़े होने की सोच रहे थे और हमारे पैरों तले की जमीन ही खींच ली गई। लेकिन दीदी, आप इस तरह से खुद को परेशान मत कीजिए प्लीज। ये सिर्फ मेरी अकेले की बात नहीं है, इसमें आश्रम की हर औरत जुड़ी हुई है। उनके मेहनत, उनके पसीने का ये नतीजा मिला, ये हमारी सबसे बड़ी हार है कुंती। नहीं दीदी, अगर आप इसे हार मानती हैं तो इसके लिए आप दोषी नहीं हैं। हमने अपनी कोशिशों से आत्मनिर्भर बनने के लिए बिजनेस शुरू किया है और बिजनेस पे इस तरह की बातों को हार नहीं माना जाता है। ठीक है, अगर उन्होंने हमारा सामान रिजेक्ट कर दिया तो हम उस सामान को कहीं और बेच सकते हैं। इस तरह कोई नया खरीदार नहीं मिल सकता। तो फिर क्या हम उनके इनकार के बाद यूं ही चुप बैठ जाएंगे? सबसे पहले हमें इस बात को आश्रम के औरतों को बताकर उन्हें विश्वास में लेना है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं इनसे कहूं तो कैसे कहूं? सरला दीदी, क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रही हैं। हाँ सरला दीदी, बताइए ना क्या बात है। मुझे बड़े अफसोस के साथ तुम लोगों को ये बताना पड़ रहा है, हमने जो सामान ऑर्डर के साथ भेजा था वो रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन क्यों सरला दीदी? इसी बात को लेकर तो सरला दीदी परेशान है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सामान रिजेक्ट करने के पीछे कोई और वजह है। कैसी वजह दीदी? यही तो मैं पता लगाना चाहती हूँ। मैंने ये ऑर्डर लेने से पहले उन लोगों को एम्ब्रॉयडरी का एक एक सैंपल, एक एक नमूना दिखाया था। फिर अचानक हमारी डिजाइन में नुक्स निकालने के पीछे जरूर कोई दूसरी वजह हो सकती है। दीदी, वजह कोई भी हो, लेकिन हम लोगों को हार नहीं माननी चाहिए। मैं तुम लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि तुम लोग निराश मत होना। अगर शुरुआत में भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं तो हम ये परीक्षा देंगे और एक दिन इस परीक्षा में कामयाब भी होकर दिखाएंगे। हाँ सरला दीदी, हम सब लोग आप ही के साथ हैं। अच्छा दीदी, मेरा एक सुझाव है। सुझाव क्या? दीदी, वो रस्तोगी इंडस्ट्रीज के मालिक है ना, जहाँ पुष्पा नौकरी करती है। हाँ, मैं उनसे मिलकर आई थी, वो मुझे अच्छे इंसान लगे, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं। दीदी, मैं उनसे जाकर बात करती हूँ, हो सकता है वो हमारी कोई मदद कर सके। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बात करके देख लो।
हमें किसी भी तरह इस परेशानी से बाहर निकलना ही होगा, वरना ये नुकसान हमारे आगे के रास्ते के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकता है। ऐसा नहीं होगा दीदी, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता जरूर है। हमें ये उम्मीद लेकर ही चलना है, आगे भगवान की मर्जी। तुम बोलती क्यों नहीं हो? आप चुप क्यों हो? क्या कहा डॉक्टर साहब ने? मन, आज तुम्हारी वजह से मेरी बोलती बंद हो गई है, वरना डॉक्टर साहब की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे इस तरह से बात करते। आखिर उन्होंने क्या कह दिया था? अब हम उनके लिए पराए हो गए हैं, वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं, हमारी परछाई तक नहीं देखना चाहते वो। हाँ तो ठीक है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? क्या यही बात कहने के लिए उन्होंने मुझे वहां से रवाना कर दिया था? नहीं, वो तुम्हारे सामने कोई बात नहीं करना चाहते थे। नहीं मां, उन्होंने जरूर कोई और बात की है जिसको लेकर तुम इतना परेशान हो। तुम आखिर साफ साफ क्यों नहीं बताती हो कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर तुम इतना परेशान हो गई? अब तो मुझे लगता है कि जिंदगी भर मुझे परेशान ही रहना होगा। मां, उन्होंने क्या कहा सुनना चाहते हो? उन्होंने क्या कहा सुनो। उन्होंने कहा कि हम माँ बेटे जितनी जल्दी हो सके ये शहर छोड़कर चले जाएं। क्या? शहर छोड़कर चले जाएं? लेकिन क्यों? क्योंकि वो कुंती की शादी करने जा रहे हैं और शादी के दौरान हमारा यहाँ रहना उन्हें बर्दाश्त नहीं है। अगर वो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो हम क्यों शहर छोड़कर जाएंगे? उन्होंने हमें क्या अपना जरखरीद गुलाम समझ रखा है कि जो वो कहेंगे मान लेंगे? धीरे बोलो, पुष्पा अंदर है क्या? नहीं, वो अभी ऑफिस से आई नहीं। मां, तुमने ये सब कुछ सुन कैसे लिया? कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहती, अगर आज तुम किसी लायक होते, कोई काम धंधा कर रहे होते तो वही उनके कह का जवाब देकर आती, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मन मां, अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें शहर से निकाल देंगे। ये शहर क्या उनके बाप का है? सवाल इस बात का नहीं है मन, अगर आज तुम्हारी कोई पोजीशन होती और हमें डॉक्टर साहब से कोई उम्मीद ना होती तो मैं उनका वो हाल करती कि वो जिंदगी में कभी इस तरह की बात करने की हिम्मत ना करते। उन्हें क्या लगता है हम कुंती की शादी में कोई रुकावट डालने वाले? उन्हें अब हम पे भरोसा नहीं रह गया और भविष्य में हमें अपनी जरूरतों के लिए उनकी मदद चाहिए, इसलिए उनकी बात माननी पड़ेगी। ये क्या कह रही हो मां तुम? इस तरह हम उनकी बात मानने लगे तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये माना कि पैसों के लिए हमें उनकी जरूरत है, लेकिन हम इतने छोटे भी नहीं हो सकते। तुमने जो किया है ना, उसके बाद चाह कर भी हम बड़े नहीं हो सकते। उनकी बातों में हमेशा यही रहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। हाँ, सारी बर्बादी मैंने ही तो की है, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, बड़े दूध के धुले हुए। मां, तुम्हें कुछ बोलना चाहिए था। मैं जितना कुछ कह सकती थी मैंने कहा मन, लेकिन मेरी सारी बातें खोखली थी। किसी को जवाब देने के लिए पहले हैसियत बनानी पड़ती है। माँ, हमारी हैसियत इतनी गई गुजरी भी नहीं है, हम कोई उनके दरवाजे पर बैठे हुए कुत्ते नहीं है कि जब जी चाह डांट कर भगा दिया हमें। मैं जाकर पूछता हूँ उनसे, मैं जाकर पूछता हूँ कि उन्होंने ये बात कही कैसे। मन, इस वक्त वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, वो आदमी अपनी बेटी के प्यार में अंधा हो चुका है। माँ, अगर वो अंधे हो गए तो क्या हम गूंगे बहरे बन जाएं? ये सब बातें सुनकर चुप नहीं रह सकता मां। तो क्या तुम झगड़ा करोगे? मां, अगर वो यही चाहते हैं तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। ऐसी बेवकूफी बिल्कुल मत करना मन, इस समय वो बहुत गुस्से में है, उनका गुस्सा शांत हो जाने दो, फिर हम आराम से बात करेंगे। क्या बातें कर रही हो मां? उन्होंने इतनी बातें कर दी और तुम कहती हो कि हम आराम से बातें करेंगे? तुम बर्दाश्त कर सकती हो लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मन, मैं ये जो कुछ भी बर्दाश्त कर रही हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर उन्होंने पुष्पा को कुंती की हकीकत बता दी तब क्या होगा? तो इस डर से हम ये शहर छोड़कर चले जाएं? ये कैसे हो सकता है मां?
जाकर उनसे बात करता हूँ। मन, तुम्हें मेरी कसम, इस वक्त तुम वहां मत जाओ। ये क्या बात हुई मां, हमारी चुप्पी देखकर वो हमें और दबाते रहेंगे। अच्छा तुम अंदर जाओ, पुष्पा के आने का वक्त हो रहा है, उसे इन बातों का बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। जाओ मन। ठीक है मां, तो मुझे इस वक्त नहीं जाने देना चाहती हूं कोई बात नहीं, लेकिन सुबह जाकर मुझे उनसे पूछना ही पड़ेगा और मैं उनसे पूछूंगा जरूर। मुलाकात हुई ना कोई बात, इसलिए सोचा चलकर तुमसे मिल लूं। कैसी हो तुम? ठीक हो आंटी। तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम ठीक हो। हमारे जिंदगी में तो हर वक्त कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, अब तो ऐसे लगने लगा है ये जिंदगी ही परेशानी बन गई। ये परेशानी इसलिए है कि तुम अपनी परेशानियों से छुटकारा नहीं पाना चाहती, तुम्हें अपनी परेशानियों में मजा आने लगा है। आंटी ये मेरी मजबूरी है, वरना परेशानियों में किसे मजा आएगा? कुंती, तुम्हें इन सारी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है अगर अगर तुम शादी के लिए हाँ कर दो। माफ कीजिएगा आंटी, मैं इस वक्त शादी के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे सामने एक नई मुसीबत पैदा हो गई आंटी, जिससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है जैसे इस आश्रम की हर लड़की का दुर्भाग्य उसे कभी जीने नहीं देगा, कभी नहीं। जीने की राह बहुत है कुंती, सवाल यह है किसने कौन सी राह चुनी है। आज मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब कुछ जान चुकी हूं। मैं ये भी जान चुकी हूं कि तुम्हारे बेटे करण का पिता कौन है। आपको इस बारे में किसने बताया? खुद तुम्हारे बाबूजी ने, उन्होंने हमारे सामने हर बात खुलकर कही। अब शायद उन्हें अपने किए का पछतावा हो रहा होगा। हर इंसान को अपनी गलतियों के लिए एक दिन पछताना ही पड़ता है। लेकिन अफसोस के पछताने से अब न तो मुझे कोई जिंदगी मिल सकती है और न ही बाबूजी को। अब तुम्हारे बाबूजी को अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं, उन्हें चिंता है तो सिर्फ तुम्हारी।